एल साइलेंट कब और कहाँ होता है और कहाँ नहीं होता है, इसके क्या एक्सेप्शन है, आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। एल साइलेंट रूल्स, ए आफ्टर एल, यू आफ्टर एल, ओ आफ्टर एल इज जनरली साइलेंट। ए के बाद अगर एल आए, यू के बाद अगर एल आए, ओ के बाद अगर एल आए, तो एल लगभग साइलेंट ही होता है। जैसे बाम, BALM, बाम में एल साइलेंट है क्योंकि ए के बाद एल है, इसीलिए यहाँ पे एल साइलेंट है। बाम, बाम मीन्स एन ऑइंटमेंट। काम, CALM, काम, काम मीन्स स्टिल, क्वाइट। समन, समन यहाँ भी एल साइलेंट है और इसका मतलब होता है अ फिश, वाटर, फिश विद सिल्वरी स्केल्स एंड ऑरेंज फ्लेश। पाम, पाम मीन्स द इनर सरफेस ऑफ द हैंड बिटवीन द रिस्ट एंड द फिंगर, अ ब्रांचलेस ट्रॉपिकल ट्री। आमंड, यहाँ भी एल साइलेंट है और यहाँ एल के बाद एम है और एल के बाद अगर एम आए तो भी एल साइलेंट ही होता है, इसको पढ़ेंगे आमंड। वन ऑफ द टॉन्सिल। आर्म्स, यहाँ भी एल के बाद एम है इसीलिए एल यहाँ भी साइलेंट है और इसे हम पढ़ेंगे आर्म्स। आर्म्स मीन्स होता है गिफ्ट्स, गिवन टू द पुअर, अ डोनेशन फॉर अ रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पस। एम्बाम, एम्बाम मीन्स होता है टू प्रिजर्व अ कॉर्प्स बाय मीन्स ऑफ स्पीसीज, टू परफ्यूम, टू फिल विद फ्रेग्रेंस। बाक, बाक मीन्स होता है टू डिसअपॉइंट, टू इग्नोर और टू पास ओवर। कुट, अब यहाँ देखिए कि यू के बाद एल आया इसीलिए रूल के तहत, क्योंकि एल के ठीक पहले यू आया है और यू के ठीक बाद एल आया है इसीलिए यहाँ एल साइलेंट होगा और इसे हम पढ़ेंगे कुट। पास्ट टेंस ऑफ कैन। वुड, यहाँ भी सेम रूल फॉलो होता है और इस वुड का मतलब होता है पास्ट टेंस ऑफ विल। शुड, सेम रूल फॉलो होगा, शुड मीन्स पास्ट टेंस ऑफ शैल। फॉक, यहाँ ओ के बाद एल है रूल के अनुसार और इसलिए एल का उच्चारण यहाँ पे नहीं होगा और इस फॉक का मीन्स होता है पीपल, रेस, नेशन। हाफ, यहाँ ए के बाद एल आया इसीलिए एल का उच्चारण नहीं होगा, इसे हम पढ़ेंगे हाफ और हाफ मीन्स होता है इम्परफेक्टली डिवाइडिंग वन बाय टू। वॉक, वॉक मीन्स टू एडवांस ऑन फुट। टॉक, टॉक मीन्स टू कन्वर्स, टू स्पीक, टू गॉसिप, टू डिस्कस। काफ, काफ मीन्स यंग ऑफ अ काउ और एलिफेंट, द बैक ऑफ द लोअर पार्ट ऑफ लेग। चौक, यहाँ भी एल साइलेंट होगा, सेम रूल फॉलो होगा
और इसको हम पढ़ेंगे चॉक अ व्हाइट मटेरियल यूज्ड फॉर राइटिंग ऑन ब्लैक बोर्ड एंड फॉर ड्राइंग. बिहाफ, बिहाफ मीन्स इंटरेस्ट पार्ट एंड एडवांटेज बेनिफिट. अब एल का उच्चारण हम करते हैं और कुछ एक्सेप्शन है और वो कहाँ करते हैं मैं आपको नीचे बता रही हूं. जैसे सोल्ट, यहाँ ओ के बाद एल है पर ये एक्सेप्शन है, इसका उच्चारण करते हैं, एल यहाँ पढ़ा जाएगा और इसको हम पढ़ेंगे शोल्ड. सोल्ड मीन्स पास्ट टेंस ऑफ सेल. होल्ड, होल्ड यहाँ भी एल हम पढ़ेंगे, एल यहाँ साइलेंट नहीं होगा क्योंकि कुछ एक्सेप्शन है जिसे हमें जेहन में रखना चाहिए और इस होल्ड और इसका मतलब होता है टू पॉसेस, टू ग्रेस्प, टू सेलिब्रेट, टू कंसीडर. यहाँ भी एल को हम पढ़ते हैं, यहाँ एल साइलेंट नहीं होता है, इसे हमें अच्छी तरह जेहन में बिठाना चाहिए, इसे हम पढ़ेंगे फोल्ड और यहाँ कोई रूल फॉलो नहीं होगा और इस फोल्ड का मतलब होगा टू डबल ओवर अ लेयर. बल्क पढ़ा जाएगा क्योंकि ये एक्सेप्शन है और इस बल्क का मतलब होता है साइज, मैग्नीट्यूड ऑफ वॉल्यूम, अ मास, द ग्रेटर पार्ट. सल्क, सल्क मीन्स होता है टू बी सलन. Subscribe my channel. Thanks for watching.